विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमस्कार दोस्तों, आज हम झंडा गीत की जानकारी देखेंगे। भारत के झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्त उर्फ पार्षद ने की थी। 7 पद वाले इस मूल गीत से बाद में कांग्रेस ने 3 पद यानी पद संख्या 1, 6 और 7 को संशोधित करके झंडा गीत के रूप में मान्यता दी। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ बल्कि अनेक नौजवानों और नवयुवतियों के लिए देश पर मर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना। श्यामलाल गुप्त को उनके गीत के लिए 1973 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला। साल 1924 में कानपुर में होने वाले अधिवेशन से पहले उन्होंने पूरी रात जागकर झंडा गीत की रचना कर दी। जालियांवाला बाग की स्मृति में पहली बार यह गीत 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूलबाग मैदान में हजारों लोगों के सामने गाया गया। उस दौरान जवाहरलाल नेहरू भी इस आम सभा में मौजूद थे। इस क्रांतिकारी श्यामलाल गुप्त पार्षद जी को आज़ादी के बाद साल 1952 में 15 अगस्त को इस गीत को गाने के लिए लाल किला बुलाया था और उनके गीत को गाने का अनुरोध किया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व को प्यारा लगे ऐसे मेरे देश का ध्वज तिरंगा है। सारा जगत इससे प्यार करे ऐसा मेरा तिरंगा है, इसलिए ये झंडा ये ध्वज सारे जगत से ऊंचा है। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, इसे देखकर नई शक्ति नई चेतना मिलती है। हमेशा देश के प्रति शक्ति सजग जाती है। शक्ति प्रदान करने वाला ये तिरंगा है, सर्वधर्म समभाव प्रेरणा जागृत करता है। मेरा देश अनेक जाति धर्म से भरा है, फिर भी एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना हर एक के मन में दिल में रहती है। वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, ये मेरा तिरंगा वीरों के बलिदान की याद दिलाता है। अनेक वीरों को फिर से नई चेतना निर्माण करता है। इस भारत भूमि में जन्म लेने वाला हर एक तन मन से तिरंगा से प्रेम करता है, इसलिए झंडा हमेशा ऊंचा रहे। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा। बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। आओ प्यारे नौजवान, ये भारत माता आपको पुकार रही है कि आप सब वीर है योद्धा है। अपने देश इस मिट्टी के लिए इसकी रक्षा के लिए अनेक वीरों ने बलिदान दिया है। सर्वधर्म समभाव को जागरूक रखे हुए बलिदान के लिए तैयार रहे, इसके लिए एक साथ मिलकर गाना है कि ये भारत देश हमारा है, सबसे प्यारा है। गर्व से बोलो कि भारत माता की जय, स्वतंत्रता हमारा अपना ध्येय है उद्देश्य है। शानन इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए। आप जिस देश में या जहां भी जाए, देश और तिरंगे की शान बनाए रखना। ऐसे कर्म करो जिससे मेरे देश तथा तिरंगे का मान सम्मान हो। अपनी जान न्योछावर क्यों न करनी पड़े, हर क्षेत्र में अपना और अपने देश का नाम रोशन बनाए रखना। इस पूरे विश्व का मन जीत कर दिखलाए, तब हो वे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस मिट्टी में जन्मे है पले है, उसके लिए कुछ भी करना हमारा परम कर्तव्य है। ये हमारा प्रण है, ये तभी पूर्ण हो सकता है जब हमारे तिरंगे की शान बनी रहेगी। हर कला क्षेत्र में आगे रहकर अपने देश का नाम उज्ज्वल करें, तभी हमारा तिरंगा विश्व में ऊंचा रहेगा। संपूर्ण विश्व तिरंगे के प्रति गौरव करे, गर्व हो कि मेरा तिरंगा विश्व में सबसे ऊंचा रहेगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।